मैं करूँगा अनपैकिंग करूँगा एक्शन प्रो गोप्रो का माउंट है। इसमें एक चीज़ फ़ायदा ये है कि आपको इसमें चिपकाना नहीं पड़ता है, और ये एक बार फिट हो जाता है इसको निकाल सकते हैं लगा सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको बीच में फंसता हो जिसकी वजह से ना ढंग से आप एंगल रोटेट नहीं कर पाते। चेन लिंक बहुत ज़्यादा बड़ी है तो मैं इसका पूरा यूज़ नहीं करूँगा, मैं दो ही लिंक यूज़ करूँगा, बाकी दो हटा दूँगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया है, बता रहा हूँ इतना कोई इफेक्ट नहीं आता। वैसे भी गिम्बल लगा होता है, गिम्बल से इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं इतना नहीं होता है। गाड़ी चलाओगे तो स्मूथली सीधे आगे पीछे होता है। ड्यूक पे आपको इतना लाइक नज़र नहीं आएगा डिफरेंस, जो मेरी आरसी है ना उसमें थोड़ा लाइक बेंड करके गाड़ी चलानी पड़ती है तो उसमें डिफरेंस आता है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स, कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आ गया हूँ मैं एक और वीडियो लेके जिसमें आज मैं करूँगा अनपैकिंग करूँगा एक्शन प्रो गोप्रो का माउंट है जो मैंने ऑर्डर किया है। मेरा वाला जो गोप्रो का माउंट था वो टूट गया है तो इसको मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से, जो कि है अप्रॉक्स 599 का। इस पर MRP है लेकिन ये अप्रॉक्स 300 रुपये का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जिसके बारे में आपको बताऊँगा। तो इसको लगाने से पहले अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि मैं छोटी छोटी और डिटेल वाली वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी बिगनर ही हूँ, मतलब लाइक कर रहा हूँ, इतना भी ग्रोथ नहीं है, तो आप लोग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा ये सब देखना, क्योंकि मैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ शायद आप भी वहीं से स्टार्ट कर रहे होंगे तो आप लोग को इन सब चीज़ों में हेल्प मिलेगी। एक्शन प्रो गोप्रो माउंट है ये जिसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली हेलमेट पर लगाने के लिए होता है, जिसमें देखें इसमें एक ये माउंट आता है जिसको आप खरीद सकते हैं, ये अप्रॉक्स 400-500 रुपये में मिल जाता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ फ़ायदा ये है कि आपको इसमें चिपकाना नहीं पड़ता है ये, और ये एक बार फिट हो जाता है इसको निकाल सकते हैं लगा सकते हैं। इसमें बस एक इशू रहता है कि कभी कभी इस पर ज़्यादा वेट पड़ जाता है तो अप डाउन मूव करने लगता है, वैसे इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, बस ये होता है कि इसकी पोजीशन ऊपर से नीचे थोड़ा गिर जाती है, अगर क्योंकि ऑब्वियसली आप माइक लगाओगे गोप्रो लगाओगे तो वेट थोड़ा पड़ जाता है, फिर चलते चलते थोड़ा नीचे हो जाता है, तो इसकी ये प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से एक चीज़ ये होती है कि जो कैमरे की जो पोजिशनिंग होती है वो नीचे हो जाती है, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो और हेलमेट थोड़ा मतलब सर नीचे करोगे तो यूँ करके आप गाड़ी चलाते हो, तो हेलमेट की पोजिशनिंग जो होती है ना कैमरे के उसके साथ नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर व्यू नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अटैचमेंट आती है जिसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए ये सारी एक्सेसरीज इसके साथ है, तो ये कार्ड है एक्शन प्रो का और मेन इसका प्रोडक्ट देखिए ये। तो मैंने इसको ऑर्डर इसलिए किया है क्योंकि इसके साथ अलग प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे मान लिया अगर जिसको सिर्फ जिसके पास जैसे मान लिया ये है या इसके साथ एक और पीस होता है लगाने वाला, ये वाला देखिए जो इसमें लगा हुआ है, तो अगर आपके पास ये ऑलरेडी है तब आपको सिर्फ इसकी ज़रूरत है, जैसे मुझे सिर्फ इसकी ज़रूरत थी इस चेन की, तो मैंने सोचा कि फिर इसको अलग से मंगा लूँ, तो 250 रुपये के आसपास का इसका सिर्फ ये मिल रहा था, तो मैंने सोचा यार 50 रुपये देख के पूरा ही मंगा लेते हैं, क्योंकि फिर अगर बाई चांस मुझे इसकी कभी ज़रूरत पड़ गई तो इसका भी काम हो जाएगा। अगर आपको टायर के पास लगाना है या तो फिर मडगार्ड के पास लगाना है या वाइज़र पे फ्रंट वाइज़र पे लगाना है तो उसकी ज़रूरत है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़े पैसे दे के यही खरीद लेते हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसका ये फ़ायदा है कि इसमें देखिए 5 चेन लिंक दिया है, 1, 2, 3, 4 और एक पांचवा आपका इसके साथ ही है इसमें जो जॉइंट होता है, तो इसका ये बेनिफिट है और इसको आप आराम से टाइट कर सकते हैं। जो दूसरा वाला था मैंने देखा था उसमें ये लगा रहता है, टाइट करना होता है तो ये लगा रहता है, जिसमें इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको लगाते हैं ना कैमरे में तो कहीं ना कहीं ये जैसे मान लीजिए पोजिशनिंग में आ जाता है, जैसे मैं इसको दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ लगाते हैं इसको, ठीक है इसको यहाँ पर लगाया, तो अब जैसे आप साइड में और एंगल्स आते हैं ना तो आप मूव करते हो तो कभी कभी टकराने लगते हैं, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। और इसमें यह बेनिफिट है कि इसमें देखिए स्क्रूज़ लगे हुए हैं, तो इसका यह बेनिफिट है ना कि फोकस करके दिखा दो, देखें इसमें देखिए स्क्रूज़ लगे हुए हैं, तो इसका यह बेनिफिट है कि आप इसको कर सकते हो, ये कभी भी मूवमेंट करेंगे ना तो ये देखिए मैक्स तक जा सकता है, जितना इसका एंगल है उतना जा सकता है। अगर इसमें यही मान लीजिए वो लगा होता जो मैंने आपको दिखाया था अभी, तो ये कहीं ना कहीं आपको बीच में फंसता हो जिसकी वजह से ना ढंग से आप एंगल रोटेट नहीं कर पाते। अगर आप लोग भी बाय कर रहे हैं अपने कैमरे की पोजीशनिंग सही करने के लिए गोप्रो की, या अगर कैमरे से भी आप करते हैं लाइक आप फ़ोन माउंट लगाते हैं वो यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी आप ये खरीदेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा इन कंपैरिजन टू वो लॉन्ग पिक वाला। अब मैं इसको आपको अपने कैमरे में लगा के दिखाता हूँ, कैमरे में और माउंट में, और अगर आप चाहें तो इसको मतलब ये देखिए ये जो पोर्शन होता है इसको आप डायरेक्ट हेलमेट पर भी लगा सकते हैं, इसके साथ 3M टेप आती है
देखिए 3M टेप है जिसको आप डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं और लगाने के बाद इसको लगा सकते हैं। अगर एम सील से कई लोग कसते हैं क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं होता, और इसकी क्वालिटी जो मैं आपको बताऊँ बहुत ही पतली है, तो मैं इसको आपको मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसका आप यूज़ करें। आप अलग से 3M टेप खरीदिए, ये तो बहुत बहुत ही बेकारी क्वालिटी की लग रही है। ये 3M टेप मोटा वाला, तो इसको आप इसके शेप में कट कर लीजिए लगा के, और फिर आप यूज़ कर सकते हो। और फेविक्विक और एमसील दोनों का यूज़ करके ही इसको अगर लगाएं फ्रीली, अगर आप इसको सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं, इसको नहीं यूज़ करना चाहते क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती, फिर आपको 50,000 का कैमरा गिरने का डर रहेगा। तो आप ये यूज़ ना करिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसको डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं या तो फिर इसको लगा यूज़ करिए, जो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यूज़ करना, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए मुझे कहीं और बाहर जाना है और मैं एक्शन कैमरा नहीं लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ और आराम से यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अभी सिर्फ इसको इसमें इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे लग गया, इसको यहाँ पे कर देंगे। इसकी मैंने एक चीज़ अच्छी देखी कि अब मैं नोटिस कर रहा था, इसकी क्वालिटी थोड़ी लाइट है मैं ये कहूँगा, लेकिन इसका बेनिफिट मैंने एक चीज़ देखा है कि ये बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। तो होता क्या है ना, ज़्यादातर आप इसका माउंट खरीदेंगे तो प्रॉब्लम ये होती है कि इसके साइज़ का नहीं होता है, कभी पतला होता है, ज़्यादा होता है, जिससे प्रॉब्लम होती है कि जब स्क्रू कसोगे ना, तो ये यहाँ से देखिए ये जो दो पिन होते हैं ना, ये देखिए जो गैप है, ये फिर ऐसे करके दबेगा, और दबेगा तो यहाँ से टूट जाता है ये। तो इसका ये है कि ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली बैठा, और मुझे कोई भी किसी तरह की आवाज़ नहीं सुनाई दी, वरना आवाज़ सुनाई देती है ऐसे चिरचिर करके, जिससे पता चल जाता है कि हाँ आप इतना टाइट कर रहे हो कि टूट रहा है, और धीरे धीरे टूट जाता है। तो इसमें बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है। इसकी क्वालिटी थोड़ी मैं कहूँगा थोड़ी लाइट है, लेकिन ठीक है, मतलब उस हिसाब से तो कहूँगा बहुत ही बढ़िया है। 3 लिंक बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैं इसका पूरा यूज़ नहीं करूँगा, मैं 2 ही लिंक यूज़ करूँगा, बाकी 2 हटा दूँगा। इस नट से टाइट होता है ये होता तो टाइट ये भी, मतलब जो ये वाले स्क्रूज होते हैं इसके अंदर भी यही होता है, लेकिन बस ये होता है कि इसमें ये मूवमेंट करने के लिए और ईजी निकालने बाहर करने के लिए लगा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बीच में आने लगता है, तो फिर सारे जॉइंट्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। उस पर देखिए, मान लीजिए अब यहीं पे ये चीज़ होती तो ये देखिए ऐसे होता, तो इसमें हेलमेट चलाते समय दिखने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये है इसका बेनिफिट। सो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया है, और कोई भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से फिट हुआ है। ये थोड़ी सी मूवमेंट है, इसको मैं थोड़ा टाइट कर दूँगा, देखिए अभी आ जाएगा। ये देखिए ला रहा हूँ, इतना कोई इफेक्ट नहीं आता, वैसे भी गिम्बल लगा होता है, गिम्बल से इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं इतना नहीं होता है। आप गाड़ी चलाओगे तो स्मूथली सीधे आगे पीछे होता है, इतना नहीं होता है। इसको आराम से आप अपने हिसाब से एंगल एडजस्ट कर सकते हो उसका, तो ये देखें अच्छे से पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं। और अभी इसको मैं बाहर लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसा व्यू आ रहा है। ओके, तो चलते हैं बाइक पे। व्यू देखिए आप कैसा लग रहा है, अच्छा आ रहा है। और ड्यूक पे आपको इतना लाइक नज़र नहीं आएगा डिफरेंस, जो मेरी आरसी है ना उसमें थोड़ा लाइक बेंड करके गाड़ी चलानी पड़ती है, तो एरोडायनेमिक आने के लिए, मतलब गाड़ी को पूरा मतलब लीन करके चलाने के लिए, तो उसमें डिफरेंस आता है। इसमें आपको इतना नहीं दिखेगा, लेकिन तो भी आपको जो व्यू एंगल देखिए, पूरा हैंडल हैंडल और थोड़ी बहुत टंकी कवर हो रही है, और अगर मैं बेंड भी होता हूँ ना तो आपको सामने अच्छे से दिखेगा, और जो लेवल होता है ना होराइज़न लेवल, मेन चीज़ वो होती है, वो देखिए पूरी कवर होती है। तब तक ये चीज़ अच्छे से कवर नहीं होती, तब तक लाइक जो शो होता है ना वीडियो का, जो कैमरे में जो डिस्प्ले होता है, वो मज़ा नहीं आता खुद को भी। लाइक कभी कभी मैं आरसी चलाता था तो नीचे झुकता था तो बिल्कुल सामने वाला व्यू ही गायब हो जाता था, तो मुझे बड़ा ऑड लगता था, और फिर वीडियो को लाइक एडिट करते समय लगता था कि यार कमी हो रही है, तो ये चीज़ बहुत होती थी, अब वो चीज़ नहीं होगी। तो ये होता है लाइक हेड माउंट के साथ जो आप अटैचमेंट लेते हो उसका बेनिफिट। ले रहे हो तो सिर्फ अटैचमेंट ना लेना, आपकी मर्ज़ी, अगर आप सिर्फ अटैचमेंट लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन कन्वीनियंट यही होगा कि आप पूरा सेट खरीद लो 50,000 रुपये ऐड करके, उसमें 4 चेन का सेट मिलता है, उसी में जो आपको दिया था, तो 2 लगा सकते हो, अगर 2 आपके ख़राब हो गए तो 2 और यूज़ कर सकते हो, और साथ में उसके जो हेलमेट में चिपकाने वाला है वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप परमानेंटली लगाना चाहते हैं तो परमानेंटली लगाने का ये बेनिफिट होता है कि आपको बार बार निकालना लगाना नहीं पड़ेगा, और थोड़ा बहुत जो टाइटनेस फील होगी ना, जो हेलमेट में एक टाइटनेस फील आती है, जैसे जो मैंने आपको दिखाया था मेरे में जो लगाया, उसमें कभी कभी ये होता है कि हिलने डुलने लगता है, और कभी ज़्यादा झटका लग गया तो नीचे ऊपर हो जाता है, तो उसको सेट करना पड़ता है। तो ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ होती है अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, तो आपको जैसे मतलब पता नहीं चला कि यार अप डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो
नहीं पता चल पाता, आप पूरी रिकॉर्ड करते चलेगा ये हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत अगर चलाते चलाते देखते रहो करते रहो तो ये बेनिफिट है कि आराम से जब चाहे इसको निकाल सकते हो लगा सकते हो, दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओ भाई ये खाली रोड देख के भगाने का मन तो करता है लेकिन मैं नहीं भगाता हूँ, पता नहीं मन नहीं करता। लाइक भाई ये पहली बात तो सेफ जगह नहीं है इस वजह से, वरना तो भगाने को भगा ही सकते हैं। जो माउंट जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको जानना है कि लाइक इसमें मोबाइल वाला माउंट लग सकता है कि नहीं, हाँ तो इसमें मोबाइल वाला माउंट भी लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली लग जाएगा, तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं या करना चाहते हैं। लगा ले वैसे एवरेज भी अपनी गाड़ी सही दे रही है, आराम से दे रही होगी, 20 के ऊपर ही दे रही है जो भी दे रही है। सो गाइस यही था इस व्लॉग में, आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो। आप भी अगर माउंट खरीदे तो सब कुछ अच्छे से पहले देख ले क्या आपको ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं ना एक बार में सामान लेके लाइक रखना पसंद करते हैं, बार बार नहीं खरीद पाते, या ये कहते नहीं एक बार में सब ले लेते बाद में उनको पता चलता है। तो अगर आप कभी भी अपना सेट खरीदे, गोप्रो आपने लिया है, अगर आप हेलमेट में माउंट करना चाहते हैं तो सिर्फ माउंट ना लिए साथ में उसके अटैचमेंट्स भी लिए, ताकि आपको लाइक बाद में अलग से ना लेना पड़े, क्योंकि हर जगह ये देखिए गोप्रो का सामान नहीं मिलता है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू देन।